चुनाव विशेष उत्तर प्रदेश खास तौर से, क्या सपा समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी बसपा की हार का मतलब सामाजिक न्याय के मुद्दे की हार है क्या? दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं। काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। यदि आप समझते हैं कि सपा और बसपा की हार का मतलब सामाजिक न्याय के मुद्दे की हार है तो आप ठीक नहीं समझ रहे हैं। थोड़ा व्याख्या करने की जरूरत है। हमारे दोस्त और वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल ने आज प्रिंट में अंग्रेजी में एक लेख लिखा है और जो बार बार वो बात कह रहा हूं उसको समराइज करने की उन्होंने कोशिश की है। उनका लेख का टाइटल है कि यूपी में सपा बसपा की हार में जाति की राजनीति की हार देखना गलत है, लड़ाई अभी शुरू नहीं हुई है। भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ लड़ाई शुरू होने से पहले ही सामाजिक न्याय की राजनीति की हार की घोषणा करना अदूरदर्शी है। दिलीप मंडल लिख रहे हैं कि 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली प्रतिक्रिया ने राज्य की राजनीति के बारे में नई समझ पैदा करने की उद्घोषणा की है। दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं को अपने संबोधन में मोदी ने कहा कि चुनाव परिणाम जातिवाद और जाति की राजनीति को अस्वीकार करते हैं, उसके खिलाफ है। ये नरेंद्र मोदी साहब का कहना है। खुद ही बोलते हैं कि मैं छोटी जाति का हूं, नीच जाति का हूं, वो कह रहे हैं ये बात। मोदी साहब के अनुसार अखिलेश यादव की अगुवाई वाली समाजवादी पार्टी और मायावती की अगुवाई वाली बहुजन समाज पार्टी की चुनावी हार और राजनीतिक हाशिए पर जाति विहीन राजनीति के एक नए युग की शुरुआत है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? स्पष्ट रूप से नहीं है, ये मेरा भी मानना है। क्या अपर कास्ट जाति छोड़कर वोट देते हैं? बहरहाल, तीन तर्क दिलीप मंडल ने यहां पे दिए हैं और कहा है कि मोदी के दावों के विपरीत। पहला तर्क, मैं सारांश बता रहा हूं कि सपा और बसपा की हार का मतलब निश्चित रूप से सामाजिक न्याय की हार नहीं है, सामाजिक न्याय की राजनीति की हार नहीं है। दूसरा, जिसे मोदी जातिवाद और जाति की राजनीति बता रहे हैं वह वास्तव में निम्न और मध्यम जातियों की का राजनीतिक दावा है, पॉलिटिकल असर्शन है, जो अच्छा है क्योंकि यह भारतीय लोकतंत्र के दायरे को विस्तृत करता है। तीसरा आर्गुमेंट दे रहे हैं कि निम्न कोट अनकोट लोअर कास्ट निम्न जाति की असर्शन और विकास की राजनीति परस्पर विरोधी नहीं है और साथ साथ चल सकते हैं। अब यहां पे क्वेश्चन उठा रहे हैं कि क्या मोदी के दावे के मुताबिक सामाजिक न्याय खत्म हो गया है पूरा? ऐसा संभव नहीं है। क्या सवाल यहां उठा दीजिए, क्या सामाजिक न्याय की राजनीति के ऊपर सपा या बसपा ने चुनाव लड़ा था क्या? ये सवाल यहां पे इंपॉर्टेंट है और इसका जवाब देते हुए लिख रहे हैं कि यूपी में हालिया चुनावी लड़ाई में सामाजिक न्याय की बात सामने नहीं आई है। अभियान के दौरान, इलेक्शन कैंपेन के दौरान किसी भी राजनीतिक दल ने इसे अपना मुख्य चुनावी विषय नहीं बनाया। सपा और बसपा ने मुख्य रूप से दो मोर्चों पर चुनाव लड़ा था। बार बार अंबेडकर नामा में आपको मैं सुना रहा था कि एजेंडा इन्होंने सोशल जस्टिस सेक्युलरिज्म बनाया ही नहीं था, दो मुद्दों पर चुनाव लड़ा था। दिलीप मंडल लिख रहे हैं, पहले तो दोनों पार्टियों ने दावा किया कि वे बीजेपी की सांप्रदायिक राजनीति से लड़ने की बेहतर स्थिति में हैं, इसलिए मुसलमानों को उन्हें वोट देना चाहिए, उनकी रैली
भाषणों और सोशल मीडिया सामग्री पर इस विचार का बोलाबाला था कि अगर वे राज्य की 20% मुस्लिम आबादी को लुभा सकते हैं तो जीत की राह आसान हो जाएगी। पहला। दूसरा, दोनों दलों ने, सपा और बसपा ने, दावा किया कि उत्तर प्रदेश ने अपनी अपनी सरकारों की तहत बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है जिसे सत्ता में वापस आने पर दोहराया जाएगा। समाजवादी पार्टी ने 2012 और 17 की अवधि के दौरान सड़कों और महानगरों जैसे बुनियादी ढांचे के निर्माण में अपनी तथाकथित उपलब्धि पर प्रकाश डाला। बसपा ने दावा किया कि मायावती एक बेहतर प्रशासक है और अपने शासन काल के दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था को बेहतर किया। जाहिर है ये दोनों वादे उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के को लुभाने में नाकाम रहे। चूंकि किसी भी दल ने सामाजिक न्याय को चुनावी मुद्दा नहीं बनाया, इसलिए भाजपा के सांप्रदायिक विचार और एजेंडे को मुफ्त में पास मिल गया, आगे बढ़ने का रास्ता मिल गया। वास्तव में वैचारिक लड़ाई बहुत पहले ही हार गई थी या छोड़ दी गई थी। 21वीं सदी की शुरुआत में सपा और बसपा ने उत्पीड़क जातियों और विशेषकर ब्राह्मणों को लुभाना शुरू कर दिया था। बसपा ब्राह्मण भाईचारा सम्मेलन आयोजित करेगी, जबकि सपा ने पूर्व लोकसभा सांसद जनेश्वर मिश्रा में एक आइकन पाया और परशुराम जयंती को सार्वजनिक अवकाश भी घोषित कर दिया। ये हथकंडे तब तक काम करते थे जब तक कि राज्य की उच्च जाति के मतदाताओं के सामने सपा और बसपा के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक बार भाजपा शक्तिशाली हो गई तो उन्होंने दोनों दलों को छोड़ दिया और भाजपा में चले गए। CSDS लोक नीति के सर्वेक्षण के मुताबिक 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में 89% ब्राह्मण, 87% ठाकुर और 83% वैश्य मतदाताओं ने बीजेपी को वोट दिया था। आपको ध्यान होगा कि मैंने शंभू कुमार सिंह को इंटरव्यू दिया था, मैंने क्या कहा था, पूरा वीडियो पर जाके सुनिए। दिलीप मंडल आगे लिख रहे हैं, शायद सपा और बसपा दोनों की सामाजिक न्याय की राजनीति के ताबूत में अंतिम किल संसद में EWS कोटा, जिसको दिलीप मंडल सुदामा कोटा कहते हैं, मैं जनऊ कोटा कहता हूं, के लिए उनका समर्थन था। दोनों पार्टियों ने समर्थन किया था। इसके साथ उन्होंने अपने शेष वैचारिकी चमक खो दी। इस संशोधन से पहले संविधान ने पिछड़ेपन के मार्कर के रूप में अनटचेबिलिटी, आदिवासी पहचान, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन की परिकल्पना की थी। वो छोड़कर मोदी साहब ने एक नया लाया था, उसमें सपा बसपा दोनों एकदम रेलम पेल कर गया था कि एकदम ब्राह्मण को न्याय मिलना चाहिए। अगर ब्राह्मण कमजोर है तो वो सामाजिक व्यवस्था के कारण नहीं है, राज्य की नीतियों के कारण है। ये बात इन नेताओं को कभी समझ में नहीं आती है। दिलीप मंडल आगे लिख रहे हैं कि जाति के बारे में मोदी के भ्रामक विचार। मोदी का दूसरा दावा कि 2022 की यूपी के परिणाम जाति की राजनीति के अंत का संकेत देते हैं, इस गलत धारणा को कायम रखते हैं कि जाति की राजनीति निम्न और मध्यम वर्ग के समूह करते हैं। किसी भी पार्टी या विधानसभा सरकार में उच्च जाति के वर्चस्व को सामान्य माना जाता है, जबकि इस तरह के अधिपत्य को तोड़ने के लिए निम्न वर्ग के प्रयास को जातिवादी और जाति आधारित राजनीति के रूप में देखा जाता है। तथाकथित उच्च जातियों की जातिहीनता और राजनीति और अन्य क्षेत्रों में उनके वर्चस्व और आधिपत्य को
शायद ही कभी चुनौती दी जाती है। उत्तर भारतीय राजनीति में ओबीसी की मुखरता एक लंबे समय से चली आ रही थी और 1960 और 90 के दौरान निचली जाति के उद्भव की मूक क्रांति ने भारतीय लोकतंत्र को मजबूत किया और राजनीतिक वैज्ञानिक क्रिस्टोफर जेफलिन ठीक कहते हैं कि यह प्रवृत्ति भारत के वास्तविक लोकतांत्रिकरण डेमोक्रेटाइजेशन का गठन करती है। जाति की राजनीति उस सामाजिक न्याय का समर्थक है। ये खेल समझिए कि बैकवर्ड लोग, अब दलित लोग कोई बात करते हैं तो उनको जातिवादी कह दिया जाता है, अपर कास्ट को जातिवादी नहीं कहा जाता है, जबकि सारा अपर 80% से ज्यादा पूरा अपर कास्ट बीजेपी को वोट देता है। दिलीप मंडल आगे लिख रहे हैं कि मोदी द्वारा उठाया गया तीसरा बिंदु कि जाति की राजनीति या सामाजिक न्याय और विकास शासन साथ साथ नहीं चल सकते, यह किसी भी तथ्य से रही धारणा है, इसमें कोई दम नहीं है। भारत के दक्षिणी राज्य जिन्हें 20वीं शताब्दी की शुरुआत में निम्न जाति के दावों का केंद्र माना जाता है, अधिकांश उत्तर भारतीय राज्यों की तुलना में सभी आर्थिक और मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बेहतर है। तमिलनाडु एग्जाम्पल है। इन राज्यों ने तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्धि हासिल की है और स्वास्थ्य और शिक्षा में बेहतर प्रदर्शन किया है। 2014 से उत्तर प्रदेश में भाजपा की जीत हुई है, लेकिन यह निश्चित रूप से सामाजिक न्याय की राजनीति की हार नहीं है, या जैसा कि मोदी कहते हैं कि जाति की राजनीति अब खत्म हो रही है, ऐसा नहीं है। जाति की राजनीति भाजपा और मोदी सबसे ज्यादा कर रहे हैं, यह दिलचस्प है, यह हमारी व्याख्या है और लगातार ये बात मैं कह रहा हूं। हम अभी तक भाजपा के सांप्रदायिक एजेंडे और सामाजिक न्याय बलों की भव्य लड़ाई नहीं देख पाए हैं। लड़ाई शुरू होने से पहले ही सामाजिक न्याय की हार की घोषणा करना अदूरदर्शी है। अभी भी उत्तर भारत में सामाजिक न्याय की कोई लड़ाई नहीं हुई, खाली जार्गन्स हुए हैं, सोशेबाजी हुई है, बातचीत हुई है। अब मुझे लगता है कि द्रविड़ और गैर द्रविड़ आर्यन मॉडल जो तमिलनाडु में चल रहा है, उत्तर भारत में उसके आने की संभावना है और बहुत जल्दी आप देख सकते हैं यो रफ्तार तेज होगी। 21 भाषाओं में पेरियार के राइटिंग से अनुवाद की घोषणा की है और ललकारा है कि लड़ाई आर्य और अनार्यों की है। क्या उत्तर भारत में किसी नेता ने, उत्तर भारत हिंदी प्रदेश में सबकी बात कर रहा हूं, कभी सामाजिक न्याय को अपने एजेंडे पर लाया एग्रेसिवली? सब कोई जाकर वहां कोई मंदिर बनवा रहा है, कोई विश्वकर्मा का मंदिर बनवा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई चंदन टीका कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। स्टालिन क्या करे, वो कह रहे हैं कि मंदिर की जमीन पर हम कॉलेज बनवाएंगे। यहां सब मंदिर बनाने का दावा कर रहे हैं, स्टालिन कह रहे हैं कि हम मंदिर की जमीन पर कॉलेज बनवाएंगे। अंतर यह है, अभी भारत में लड़ाई सामाजिक न्याय की शुरू नहीं हुई है और जब शुरू होगी तो बहुत सारे नेता आगे पीछे घूमते नजर आएंगे। शुक्रिया, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अमेट करनामा। फिर मिलता हूं जल्दी अगले एपिसोड में। शुक्रिया, जय भीम।